जहाँ एक तरफ हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बेटियों को दहेज जैसी प्रथा से आज भी प्रताड़ित किया जाता है और दहेज ना देने के कारण बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता और एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिली है। बता दें, पूरा मामला पलवल शहर थाना इलाके का है, जहाँ दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक 24 वर्षीय विवाहिता की मारपीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया। जानकारी के मुताबिक बल्लभगढ़ गाँव के जवा निवासी वीरपाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी निशा की शादी फरवरी माह 2020 में पलवल के रामबाग कॉलोनी निवासी रोहित पुत्र सरबजीत के साथ की थी। वहीं शादी के बाद से ही दहेज की मांग पूरी ना होने से वो उसकी बेटी निशा के साथ मारपीट करते थे और उसे जान से मारने की धमकी भी देते थे। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि देर शाम को उनके पास पड़ोसियों को फोन आया, उसकी बेटी की हालत खराब है। सूचना मिलते ही जब वह बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां देखा उसकी बेटी मृत हालत में पड़ी हुई थी। कल ऐसे था, मेरे पास लड़की का फोन गया था 4:18 पर। पिता ने कह रही लड़की, पापा मेरे को कर रहे हैं टॉर्चर। तो मैंने कहा कोई बात ना बेटे, ठीक है हम देख लेंगे शाम को, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद उसने अपनी मम्मी को भी 6:45 पर फोन कराया था शाम को, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। लड़की का भाई ये कांड हो जाए, उन्होंने क्या काम करा, चारों ने मिलकर लड़की को 7 बजे के बाद उन्होंने माफी किया। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी भवन कुंड पुलिस चौकी इंचार्ज संजय जोगी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामबाग कॉलोनी में एक महिला की मौत हो गई। रात को हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़की है निशा नाम की, उसकी मौत हो गई है, अपना फांसी लगा ली। उसके बाद रात को डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल रखवा दी थी और अभी सुबह हमें शिकायत प्राप्त हुई है। तो उनके जो लड़की के घर वाले हैं, उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें यह है बताया कि वो दहेज की मांग करते थे, उसके जो पति और सासू ससुर थे मांग करते थे, उस संबंध में उन्होंने एक कंप्लेंट दी है, इस वजह से उनकी मौत हो गई। इसलिए कंप्लेंट उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और अभी फिलहाल डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, पोस्टमार्टम करा है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने निशा के शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की शिकायत के आधार पर मृतक महिला के पति रोहित, ससुर सरबजीत, सुमित्रा व गीता के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।